अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने अददों को सही तरीके से कैसे तरतीब लगाते हैं वो देखा था। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अददों का अगला और पिछला अदद कौन सा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अदद लिया 9, तो 9 का अगला अदद और पिछला अदद क्या होगा हम देखते हैं। तो 9 के बाद क्या आता है 10, तो उसका अगला अदद क्या होगा 10। और 9 के पहले क्या आएगा, 9 के पहले क्या आता है 8, तो पिछला अदद क्या हो गया हमारा 8। तो 9 का अगला अदद हो गया 10 और पिछला अदद हो गया 8। इसी तरीके से हम और मिसालें लेते हैं। जैसे कि हमारा अदद है 5, तो 5 का मुझे बताइए अगला अदद और पिछला अदद क्या होगा। 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6, और 5 के पहले क्या आएगा, पहले क्या आता है 4। तो 5 का अगला अदद और पिछला अदद क्या हुआ, 5 का अगला अदद हुआ 6 और 5 का पिछला अदद क्या हुआ 4। तो हमारा 4 उसका 5 का पिछला अदद है और 6 क्या है अगला अदद। हम और एक मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 2, ठीक है, तो 2 का मुझे बताइए पिछला अदद और अगला अदद क्या होगा। 2 से पहले क्या आता है 1, और 2 के बाद क्या आता है 3। तो 2 के पहले जो अदद है 1, ये क्या हुआ हमारा पिछला अदद 2 का। 2 का पिछला अदद क्या हुआ 1, और 2 का अगला अदद क्या हुआ 3। ठीक है, जैसे हम लेते हैं 6, 6 का अगला अदद और पिछला अदद क्या होगा, 6 का अगला अदद होगा 7 और पिछला अदद होगा 5। ये क्या हुए एक दूसरे के पड़ोसी, 6, 5 और 7, ये क्या हुआ एक दूसरे के पड़ोसी। 6 के पहले है 5, 6 के बाद में है 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अदद के पड़ोसी आज सीखा कि कौन से अदद का कौन सा पड़ोसी होगा अगला और पिछला। शुक्रिया।